गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो गई एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। कल हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट, थक गए थे, ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा और इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो रूम्स ढूंढने में भी बड़ी दिक्कत हुई। तो फाइनली रूम पे आए, खाना खाया और सीरियस हो गए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। बाकी देखते हैं रास्ते में क्या जाम मिलता है। तो जी ये पहुँच गए हैं गोल्डन टेम्पल की एंट्री पे। ये है जी एंट्री गोल्डन टेम्पल की। ये देखो लाइन कितनी लंबी लगी है दर्शन के लिए। तो चलिए अब हम भी लगते हैं लाइन में, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, टाइम लगेगा एटलीस्ट 2 से 3 घंटे। बहुत ही कम लोग होते हैं एक्चुअली जिनको दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आधे से ज़्यादा लोग मैं कहूँगा दर्शन किए बिना ही वापस चले जाते हैं। तो अभी हम लाइन में लगे हैं, अभी पहुँचने वाले हैं एंट्री गेट पर। तो गेट से एंट्री होती है और ये चल रही है यहाँ पे सेवा। और ये एंट्री गेट है यहाँ का। गेट से अंदर एंट्री करते ही जब आप मेन गेट से अंदर एंट्री करते हैं, ऐसा लगता है पानी को निहारते हुए, पानी को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे आप बोट में सफ़र कर रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आगे कैमरा ले जाना भी अलाउड नहीं है। तो मैं आपको मिलता हूँ बाहर आके। सो फाइनली एग्ज़िट हमने कर लिया है, बहुत समय लगा हमें और अभी हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारे से दर्शन करके बाबा जी के बाहर। तो ये जा रहा है जी लंगर घर के लिए रास्ता। और ये बर्तनों की आवाज़ सुन सकते हैं आप, जहाँ बर्तन धुले जा रहे हैं कितनी आवाज़ आ रही है बर्तनों की। और ये जा रहे हैं लंगर के लिए, लंगर सेवा। ये बन रही है रोटियां। ये है जी लंगरों की सेवा, लंगर चल रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन है ये, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन। और ये हो गया है लंच फिनिश, लंगर खा लिया हमने। ये है जी यहाँ की मार्केट, यहाँ से जा रहा है अंदर, वो सामने आपको दिख रहा होगा किचन है, ये बन रही है यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट किचन। सो फाइनली अमृतसर
गोल्डन टेम्पल बाघा बॉर्डर कंप्लीट करके हम लोग निकल रहे हैं वापस चंडीगढ़ के लिए अभी अमृतसर से। हेलो जी, और फाइनली अभी ड्राइव कर रहे हैं मिस्टर रमोला जी और सब थक चुके हैं। सबसे ज्यादा जो थका है वो है कनु। ये देखो, ये हो गया अभी बिल्कुल स्लीपिंग मोड ऑन हो गया इसका। तो ये अगर आप चेक करेंगे पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है, तो सारी जगह जहाँ भी देखो पंजाब पुलिस खड़ी है, बिकॉज ये अमृतपाल वाला जो केस चल रहा है इसकी वजह से सिक्योरिटी लेवल जो है बहुत बढ़ गया है, हाई किया हुआ है। फाइनली पहुंच गए हैं जी 43 बस स्टैंड, और कन्नू को जाना है यहाँ से देहरादून। तो ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।